हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप पंजाब एंड सिंध बैंक के सारे मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ को आप व्हाट्सएप से एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपको ना ही एटीएम जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। आप जो भी करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप अगर बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर आप एटीएम कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ब्लॉक करना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी जितने सर्विसेज हैं इस बैंक की, सारी आप व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए आपको एक नंबर दिखाया स्क्रीन पे, इस नंबर को आपको सेव कर लेना होगा अपने कॉन्टैक्ट में, व्हाट्सएप में ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको चैट सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपको हाई का मैसेज लिखकर सेंड कर देना है। उसके देखिए आपके सामने एक फोटो भेजा जाएगा जिसमें आपको गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बोला जाएगा। उसके नीचे देखेंगे आपको मोबाइल नंबर दिखाएगा जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। अगर आप इसे PSB व्हाट्सएप बैंकिंग में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। आप अपने व्हाट्सएप बैंकिंग को रजिस्टर नहीं करना चाहते तो आप नो पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम रजिस्टर करना चाहते तो हमने यस पे क्लिक कर दिया, मैसेज को सेंड कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP को यहाँ से कॉपी करके आपको इस व्हाट्सएप में आप पेस्ट करके इस मैसेज को सेंड कर देना है, जिससे ये हमारा OTP वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको व्हाट्सएप बैंकिंग सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अकाउंट सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए ये सारे आपको सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और अदर ऑफरिंग का ऑप्शन मिलता है। इनमें से आप कुछ भी डिटेल्स आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता हूँ, बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए हमारे सामने मैसेज आ जाए, फोटो में आपका बैलेंस शो होगा। जैसे कि फिलहाल हमारे अकाउंट में 1 भी रुपये नहीं है तो हमारा बैलेंस यहाँ पे 0 शो हो रहा है। देखेंगे अकाउंट सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, हम अकाउंट सर्विस पर क्लिक करते हैं। अकाउंट सर्विस पर क्लिक करेंगे देखिए फिर से आपके सामने वही अकाउंट सर्विसेज का सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें फिर से बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके मैसेज को सेंड कर दूंगा। आपको एक फ़ोटो भेज दिया जाएगा, इस फोटो में आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन सारी दी जाएगी। जैसे कि मैं आपको फोटो को डाउनलोड करके एक बार शो कर देता हूँ। फोटो के अंदर आपके अकाउंट का अकाउंट नंबर, CIF कोड, IFSC कोड, आपका नाम, सारी डिटेल आपको अकाउंट से रिलेटेड इस वाले फ़ोटो के अंदर दे दी जाएगी। इसी तरीके से और भी अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो फिर से आपका अकाउंट सर्विसेज पर क्लिक करके और भी सर्विसेज इसी तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। जो छोटे मोटे काम है वो सारे आप यहां से कर सकते हैं। अगर हम मिनी स्टेटमेंट वगैरह भी देखना चाहते हैं, स्टेटमेंट वगैरह भी आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप PSB बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं।